फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य हूँ और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। साथ में बात करने वाला हूँ आप लोगों से भारत के ट्रेलर के बारे में। व्यूज काउंट तो बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ कि ये फिलहाल ट्रेलर नंबर वन पे ट्रेंड हो रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। चलिए फिलहाल कितने घंटे हो चुके वो बता देता हूँ। 24 घंटे में जो इसका ओवरऑल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह हर चीज मिलाकर जो व्यूज हुआ है वो 30 मिलियन के ऊपर हुआ है। ये खुद मेकर्स ने साफ साफ कहा भारत के, और 20 मिलियन के आसपास हुआ था 24 घंटे में, ठीक है, जहां तक मुझे पता चला है। चलिए अब मैं जो व्यूज काउंट बताने वाला हूँ, ये आपको 33 घंटे का व्यूज काउंट बताने वाला आई थिंक, क्योंकि 8 बजे तक कुछ 30 घंटे हुए होंगे और 8-9-10 अभी 11 बजे है, राइट, यानी 33 अवर्स का व्यूज काउंट बताता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि नंबर वन पे ट्रेंड हो रहा है। कल तक या परसों तक एक गाना था जो टी सीरीज का बहुत ही फेमस था, वो पिटबुल के साथ हमारे है ना सिंगर का था गाना, और वो ट्रेंड हुआ था। आई थिंक कहा जाता है लॉजिक्स के हिसाब से, जो मैं आज पढ़ रहा था, कई सारे लोग ये बोल रहे थे भारत का ट्रेंडिंग क्यों नहीं हो रहा, तो कई लोगों ने आंसर दिया कि यार यूट्यूब के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से एक चैनल का सिर्फ एक ही चीज ट्रेंड होता है, उसके बाद वो जब हटता है तो दूसरा ट्रेंड होता है। तो आई थिंक वही एक शायद रीजन है कि भारत का ट्रेलर को ट्रेंड होने में काफी वक्त लगा। और उसके अलावा एक दो चीज और क्लियरिफाई कर दूं कि कल तक लोगों ने कहा, कल तक एक्चुअली जो एडवर्टाइजमेंट है भारत को लेकर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं जा रहे भारत के ट्रेलर को, तो मैंने साफ साफ वही चीजें वीडियो में कही थी। लेकिन हाँ, आज से अगर देखा जाए तो खास करके सुबह से ही अगर आप देखोगे तो भारत के ट्रेलर का जो एडवर्टाइजमेंट है वो यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है, जो नॉर्मली ट्रेलर का दिखाया जाता है एडवर्टाइजमेंट उस तरह से। तो कई लोग ने ये भी कहा कि सूर्य तो झूठ बोल रहा है ऐसा है वैसा, लेकिन हाँ कल तक सही में एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाया जाता, क्योंकि मैंने भी कई दफा देखा, लेकिन हाँ आज एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। लेकिन इस तरह का प्रमोशन होता ही है, लेकिन हाँ कल बिल्कुल प्रमोशन नहीं हुआ था, वो भी एक रीजन था। और इवन पाकिस्तान में भी ट्रेलर ट्रेंड नहीं हो रहा है, तो उसको भी लेकर कई सारे क्वेश्चन मार्क उठे, कई सारे आर्टिकल्स भी छपे जहां पे ये कहा कि पाकिस्तान वाले लोगों ने शायद पसंद नहीं किया। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, शायद एल्गोरिथम को चेंज होगा यूट्यूब का, पता नहीं क्या सीन होगा, लेकिन पाकिस्तान में भी शायद ट्रेंड होना चाहिए। जो नहीं हो रहा है, कलंक का ट्रेलर स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ट्रेलर जो 2 था उसका ट्रेलर ट्रेंड हुआ, लेकिन इसका अभी तक नहीं हुआ। लेकिन आई होप आप जो लोग देख रहे होंगे शायद बताइएगा, जो पाकिस्तान देख रहे हैं इस वीडियो की, वहां पर ट्रेंड हो रहा है क्या फिलहाल भारत का ट्रेलर। और फिलहाल यहाँ पे इंडिया पे नंबर वन पोजिशन पर ट्रेंड हो रहा है, 33 घंटे बाद है नंबर वन पे ट्रेंड हो रहा है, और आज शाम के बाद से नंबर वन पे ट्रेलर है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, 33 घंटे के बाद व्यूज काउंट कितना हुआ, 2,68,12,810 व्यूज, यानी कि 2,68,12,810 व्यूज हुए हैं, 68 बोलते हैं सर, 68, हाँ ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर लाइक्स की, तो 904K लाइक्स हो चुके हैं, यानी कि 9,04,000 लाइक्स हो चुके हैं, और डिसलाइक 92K हुए, जो एकदम अच्छा खासा रेशियो है। कमेंट 77,013 कमेंट्स है, यानी कि 77,013 कमेंट है, और जो अपने आप में कमेंट्स का काउंट बहुत अच्छा हो। अगर हम प्रॉपर इसको अगर मिलियंस में देखा जाए तो 26.8 मिलियन व्यूज हो चुके हैं 33 घंटे में, और प्रॉपर 2.68 करोड़ तक का व्यूज काउंट पहुंच चुका है, और नंबर वन पे फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। एंड दिस इज सर्टेनली ए गुड ट्रेंडिंग आई कुड से, और एक दो दिन तक ये नंबर वन पे ही ट्रेंड रहेगा भारत का ट्रेलर। और सबसे बड़ी बात है नंबर क्या बोलते हैं, इसका व्यूज काउंट अच्छे खासे, बहुत ज्यादा हाई फंडू नहीं है, कुछ ट्रेलर्स के रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए खास करके 0 के, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिल्म बहुत अच्छी होने वाली, उम्मीद अच्छी है इस फिल्म से जुड़ी हुई। लेकिन हाँ आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या रीजन की वजह से शायद नंबर वन पर ट्रेंड नहीं हुआ होगा, कोई लॉजिकल रीजन से, तो जरूर बताइए। फिलहाल व्यूज काउंट से कितना खुश है जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिलहाल कितना है।